ये गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं थाईलैंड के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से थाईलैंड ने अपने जो क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस है उसको ईजी कर दिया था ताकि टूरिस्ट थाईलैंड में आ सकें। तो जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ईजी हुए फिर वो लोग स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा देना चालू किए, तो उसको लेके कई इंडियंस वहाँ पे गए हैं, जो कि 3 महीने का होता है। फिर आपको आप उसको 2 बार एक्सटेंड करवा सकते हो, तो टोटल 9 महीने का हो जाता है वो वीज़ा अगर आप एक्सटेंड करवाते हो तो। वैसे तो 3 महीने बहुत होता है। तो थाईलैंड ने अपने कंट्री को ओपन करने के लिए कुछ स्टेजेस रखे हैं, ठीक है। एक टाइम पीरियड रखा है उसको स्टेज का नाम दिया, जैसे स्टेज 1 होगा अप्रैल से जून तक 2021, और फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे करके लोग स्टेज रखे हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी पर वो इंग्लिश में था, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि हिंदी में वीडियो बनाओ, तो मैं ये सेम वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ कोविड-19 स्टेजेस के बारे में थाईलैंड का। तो मैं हूँ आपका होस्ट निक्सन रेवेरा, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो पहला स्टेज है क्वारंटीन का थाईलैंड का, वो स्टेज 1 स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से 30 जून 2021 तक, ठीक है। तो 6 मई से ऑल ट्रेवलर, और वो फ़र्क नहीं पड़ता आप थाई के नेशनल हो या फिर फॉरेन नेशनल हो, आप जैसे ही थाईलैंड जाते हो आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से नेशनलिटी के हो, और अगर आपको वैक्सीन लग गया नहीं लगा है तो भी आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन करना ही पड़ेगा अगर आप 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में अगर थाईलैंड जाते हो तो, ठीक है। तो 14 दिन का क्वारंटीन देख के कई टूरिस्ट जा नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या रूल किया कि जिन लोग को फुल डोज लग गई है, मतलब 2 डोज लग गई है वैक्सीन की, उन लोग को सिर्फ 7 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 14 डेज़। अब ये जो वैक्सीन है इसका भी लिस्ट दिया है वो लोग कि कौन कौन सा वैक्सीन जिन लोग को लगा है वही लोग 7 डेज़ का क्वारंटीन कर सकते हैं अप्रैल से जून के बीच। तो अगर आपको लगा है कोरोना वैक बाई सिनोवैक 2 डोसेज तो आप जा सकते हो, ये आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फाइज़र और बायोनटेक का लगा है 2 डोसेज तब भी आप जा सकते हो। कोविशील्ड जो कि इंडिया में ज़्यादातर सबको लगा है, कोवैक्सिन लगा है तो आप नहीं जा सकते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे तो इंडिया के लिए अभी वो लोग बंद करके रखें पर आप अभी भी नहीं जा सकते अगर आपको कोवैक्सिन लगा है। तो कोविशील्ड लगा है तब तो ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ 1 डोज लगा है तब भी आपको 7 डेज़ का क्वारंटीन रहना पड़ेगा, और मोडर्ना वैक्सीन 2 डोसेज लगा है तो भी। और आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड तभी माना जाएगा अगर आपको आज वैक्सीन लगा है, और अगर आप 14 दिन बाद थाईलैंड जाते हो तभी आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अगर आप 14 दिन से पहले ही चले जाते हो तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं मानेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये तो था स्टेज 1, ठीक है, अप्रैल से जून के बीच का। अभी तो जून खत्म होने वाला है, तो अब स्टेज 2 चालू होने वाला है जो कि रहेगा जुलाई से सितंबर तक का। तो चलिए देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इंडियंस अभी थाईलैंड नहीं जा सकते, ठीक है। पहले अलाउड था पर अभी वो लोग अलाउ तो कर रहे हैं जुलाई से सितंबर के बीच में। जो अभी मैं आपको स्टेज 2 बताऊँगा उसमें बिना क्वारंटीन के जा तो सकते हैं टूरिस्ट, बट इंडियंस नहीं जा सकते। इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो जो सेकेंड स्टेज है वो चालू होता है जुलाई से सितंबर के बीच में। जुलाई के सितंबर से बीच में जो टूरिस्ट थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड के एक स्पेसिफिक एरिया है फुकेत नाम का, तो वहाँ पे वो लोग ने एक सैंडबॉक्स प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम। तो इस सैंडबॉक्स प्रोग्राम में क्या होगा, 1 जुलाई से जो 30 सितंबर तो जो लोग वहाँ जाते हैं और जो लोग को वैक्सीन लग चुका है, अगर वो डायरेक्ट फुकेत सिटी जाते हैं और उनको दो वैक्सीन लग चुका है, मतलब 2 डोसेज लग चुके हैं, तो उन लोग को क्वारंटीन में रहना ही नहीं पड़ेगा। उन लोग को ज़रूरत ही नहीं है 1 दिन भी क्वारंटीन में रहने की, वो लोग सीधे जाएंगे और अपने SHQ+ होटल में रहें। तो जो सैंडबॉक्स प्रोग्राम है उसमें अगर आपको 2 वैक्सीन लग चुका है और अगर उसके बाद आप फुकेत सिटी जाते हो तो फिर आपको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको फुकेत से निकल के बैंकॉक या पटिया और कहीं जाना है तो पहले आपको फुकेत में 14 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 दिन लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, पर आपको रियलिटी में 14 डेज़ रहना पड़ेगा। ये ओल्ड आर्टिकल है पर 14 डेज़ रहना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है। अब अगर पटिया के बाद आपको फिर बैंकॉक जाना है तो फिर पटिया में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको फुकेत में 14 दिन रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद आप पटिया जाओ, बैंकॉक जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है। पर आप इंडियंस नहीं जा सकते, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्टेजेस के बारे में, पर अभी इंडियंस का जाना अलाउड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपना बैकपैक करना चालू मत कर देना, ठीक है। तो अब स्टेज 3 की बात करते हैं। तो जो थाईलैंड का रीओपनिंग स्टेज 3 है वो चालू होगा अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो इस स्टेज में क्या होगा, जैसे आप फुकेत जाओगे मतलब 1 जुलाई से, तो आपको बिना क्वारंटीन के रखते अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो। अगर इंडियंस अलाउड होते तो, वैसे तो नहीं है तो अपन इंडियंस की जगह टूरिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो टूरिस्ट जैसे वहाँ पे जाते फुकेत में और वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ता है, जैसे कि स्टेज 2 में हुआ था। तो स्टेज 3 में क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो फुकेत जैसे सेम रूल इम्प्लीमेंट होगा कराबी आइलैंड के लिए, फखांग नगा, सूरत थानी, को सामुई, तोरनबुरी मतलब पटिया एंड चिकांग माई को। तो ये सब जो प्लेसेस हैं यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर आपको 2 वैक्सीन लग चुका है तो आप वहाँ जाइए और बिना क्वारंटीन के आप घूम सकते हो, ठीक है। अब ये हम लोग थर्ड स्टेज के बारे में बात कर लिए। फोर्थ स्टेज चालू होता है जनवरी 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 से चालू होगा। ये 4th स्टेज होगा थाईलैंड का रीओपनिंग का। तो इसमें क्या होगा, आप किसी भी कंट्री के हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हो या लो रिस्क कंट्री से आ रहे हो। तो अगर आपको 2 वैक्सीन लग चुका है, 2 डोसेज लग चुके हैं, तो आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हो थाईलैंड आराम से, और आप थाईलैंड के किसी भी एरिया में जा सकते हो। वहाँ पे फिर कोई लिमिट नहीं होगा कि आपको पुखेत में 14 दिन रुकना है फिर कहीं जाना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होगा। तो ये होगा स्टेज 4 जनवरी 2022 से लागू होगा ये रूल। तो अभी के लिए तो हम लोग चारों स्टेज का बात कर लिए हैं। अब क्वारंटीन कहाँ करना है थाईलैंड में, ठीक है, क्वारंटीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको 7 दिन का क्वारंटीन में रहना पड़ेगा ना वहाँ। वैसे तो आप घूम सकते हो अगर 1 जुलाई से बाद जाओगे तो। उसके लिए भी आपको SHQ+ होटल्स में रहना पड़ेगा, ठीक है। ASQ अलग होता है और एक और होटल है, उसका मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। और मैंने एक वीडियो बनाया था चीपेस्ट क्वारंटीन होटल्स इन थाईलैंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो iCard में जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। और ये जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हो। ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने ये वीडियो इंग्लिश में बनाया था पहले, पर कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि हिंदी में बनाओ, इसलिए मैं हिंदी में बनाया था। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात याद रखना, अभी इंडियंस अलाउड नहीं है टेम्प्रेरी टाइप से, ठीक है। जैसे ही इंडिया में कोविड केसेस कम होते हैं फिर थाईलैंड इन लोग को अलाउ कर देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।